हेलो एंड वेलकम, मैं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट टू टुडेज हेडलाइन। मुकेश अंबानी की पार्टी में पहुंचे बॉलीवुड के कई सितारे। शाहरुख की एक गलती का क्यों सलमान भर रहे हैं खामियाजा। सलमान ने कैसे नहीं निभाई अपनी कमिटमेंट। एंड फाइनली अर्जुन कपूर की कौन सी विश हो गई पूरी। इंडस्ट्रियलिस्ट मुकेश अंबानी ने रिसेंटली थ्रो की एक ग्रैंड पार्टी और यहां शामिल हुए बॉलीवुड के कई सितारे। लेट्स टेक अ लुक। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल बान की मून की शान में रिसेंटली इंडस्ट्रियलिस्ट मुकेश अंबानी ने थ्रो की एक ग्रैंड पार्टी, जहां बिजनेस और बाकी फील्ड से कई चेहरे शामिल हुए। तो भला बी टाउन कैसे रह जाता पीछे? वेल यस, वी स्पॉटेड अ लॉट ऑफ बिग फेसेस एट दिस पार्टी। शुरुआत मिस्टर परफेक्शनिस्ट से, जो कि आई ड्रेस्ड क्वाइट कैजुअली विद वाइफ किरण राव। एंट्रेंस पर आमिर ने अपने एक फैन के साथ फोटो भी क्लिक करवाई और खुद ड्राइव करके पार्टी से ले ली एग्जिट। वहीं हमने स्पॉट किया वंस अपॉन अ टाइम आर्क राइवल रही करिश्मा कपूर और रवीना टंडन को चिट चैटिंग While they were waiting for their cars. Karishma ne pehna tha ek sober white anarkali and she looked gorgeous. Wahi Raveena chose a darker shade. Besides these ladies, we spotted Imran Khan with wife. Aishwarya Rai Bachchan appeared for a split second and vanished in her car. She was the only one representing the Bachchans here. Baki guests mein se humne yahan spot kiya Anil Kapoor ko, Yash Chopra, Ashutosh Gowarikar with wife, Rahul Bose, Leander Paes, Kiran Kher and few other B-Town stars. To kuch is tarah B-Town stars aur industrialist ke presence se complete hui Mukesh Ambani ki ye party. साजिद पटेल, जूम, मुंबई। एसआरके की एक गलती क्यों पड़ रही है सलमान को भारी। क्या है एसआरके की वो गलती और कैसे उसका खामियाजा भर रहे हैं सलमान, जाने हमारी इस स्टोरी में। जनवरी 2012, शाहरुख खान से हुई एक गलती और अब इस गलती की सजा भुगत रहे हैं उनके दुश्मन सलमान खान। एसआरके की एक लड़ाई से आज सलमान की लाइफ पर पड़ा है जबरदस्त असर। सल्लू की नाइट लाइफ हो गई है बोरिंग। इसके पीछे कहीं ना कहीं हाथ है शिरीष कुंदर के साथ हुई एसआरके की लड़ाई का। कनेक्शन क्या है ये हम आपको बाद में समझाएंगे, पहले जरा ये जान ले कि सलमान की नाइट लाइफ बोरिंग कैसे हो गयी। अपने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर सलमान ने नाइट क्लब्स के जल्दी बंद हो जाने पर जताया है अफसोस। सलमान को मुंबई का हैपनिंग इलाका बांद्रा, जहां वो खुद भी रहते हैं, बोरिंग लगने लगा है। वजह है नाइट लाइफ पर कसा हुआ कानूनी फंदा। अपनी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर सलमान लिखते हैं, Nothing much. Went for dinner at 12 and most of the places in Bandra were shut. And nightclubs shut at 12:30. Boring Bandra. It's very sad. अब आता है इस नाइट लाइफ को बोरिंग बनाने के पीछे एसआरके का हाथ। ये तो आपको पता ही होगा कि काफी समय से नाइटक्लब्स को जल्द बंद कराने की मांग की जा रही थी, लेकिन जब एसआरके और शिरीष के बीच हुई लड़ाई, इसके बाद इस प्लान को इम्प्लीमेंट कर दिया गया। और यही रीजन है कि जिस टाइम पर सल्लू पार्टी करना चाहते हैं वो मुमकिन नहीं, तभी सलमान को अपना इलाका बांद्रा बोरिंग लगने लगा है। वैसे धीरे धीरे सख्त हुए इस कानून में कहीं ना कहीं सलमान का भी तो हाथ है। आखिर सलमान का वो इनफेमस रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग वाला केस भी तो बांद्रा में ही हुआ था। और 16 जुलाई 2008 को हुई कटरीना की वो लेट नाइट पार्टी, जिसमें शाहरुख के साथ हुई थी उनकी हिस्टोरिक वॉर, वो भी तो बांद्रा में ही हुई थी। अब नाइट क्लब्स के जल्द बंद हो जाने की डेडलाइन के पीछे कहीं ना कहीं सलमान भी तो एक रीजन है। लेट नाइट पार्टीज में वैसे भी लड़ाइयां तो होती ही आई हैं, मगर ऑफ लेट बॉलीवुड के टॉप स्टार्स भी हो चुके हैं इसमें इन्वॉल्व, जिसमें से शाहरुख और सलमान दोनों ही शामिल है। अब ऐसे में अगर सलमान को इस बात का मलाल है कि जिस तरह पहले वो रात रात भर मुंबई की नाइट लाइफ का मजा उठाते थे, वैसे अब मुमकिन नहीं हो पा रहा है, तो एक रीजन कहीं ना कहीं सलमान खुद भी हैं। क्यों सलमान? कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। फाइनली अर्जुन कपूर की ख्वाहिश हुई पूरी। ये ख्वाहिश जुड़ी थी सलमान खान से। ऐसा क्या किया सलमान ने जिसे अर्जुन कपूर के चेहरे पर फाइनली आ गई हंसी? फाइंड आउट इन द नेक्स्ट स्टोरी। If I'm sitting and talking to you, it's because he had that belief that I can actually do something. He just saw me and he saw something. So I think he would be the person I look up to and aspire to
मेक हैप्पी। अर्जुन कपूर की कोशिशें अब कामयाब हो गई हैं। प्यार के धनुष से निकला अर्जुन का तीर सीधे सलमान के दिल में घुस गया है। लगातार खबरें आती रहीं कि सलमान अर्जुन को प्रमोट नहीं करना चाहते, लेकिन अर्जुन थे कि वो सल्लू के गुनगाते नजर आए। और अब फाइनली सलमान ने कर दिया है अर्जुन को प्रमोट अपनी माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट के जरिए। सलमान ने कह दिया अर्जुन को वेलकम। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि सलमान के इस वेलकम में कोई टेढ़ी बात नहीं है, तो जरा गौर कीजिए किस तरह सल्लू ने किया बॉलीवुड में अर्जुन को वेलकम। सलमान ने दरअसल अर्जुन कपूर को नहीं, अर्जुन रनावत को वेलकम किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अर्जुन रनावत कौन है। वेल, अर्जुन रनावत खुद सलमान का स्क्रीन नेम रहा है। आपको पुलिस की वर्दी वाले सलमान, उफ, ये सलमान नहीं, ये सलमान तो याद ही होंगे। फिल्म गर्व में सलमान के कैरेक्टर का नाम अर्जुन रनावत था, पर सलमान गर्व पर गर्व नहीं कर रहे, बल्कि उन्होंने इस बात को साफ किया कि वो अर्जुन कपूर को प्यार से अर्जुन रनावत बुलाते हैं। सलमान लिखते हैं, यप, आई कॉल अर्जुन कपूर अर्जुन रनावत। अब सलमान तो सलमान ठहरे, थोड़ी मस्ती तो करेंगे ही, चाहे जो भी हो। उन्होंने फाइनली अर्जुन का जिक्र तो किया, वरना तो अब तक मीडिया में यही रिपोर्ट्स आ रही थी कि सलमान अर्जुन को पसंद नहीं करते और ना ही उन्हें प्रमोट करना चाहते हैं। ये भी कहा गया कि सलमान के नाम का सहारा लेकर अर्जुन आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इन सब बातों का ना तो अर्जुन पर कोई असर पड़ा है और ना ही सलमान खान पर। सलमान ने जहां अब अर्जुन को प्रमोट कर दिया है, वहीं अर्जुन ने भी सलमान की तारीफों में कम कसीदे नहीं पड़े हैं। The fact that he's not criticized me because when he's close to somebody he says the honest truth. So the fact that he's not gone negative, he just said good and he likes it. सलमान हमेशा से ही अर्जुन के डैड बॉनी कपूर से क्लोज रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि वो बॉनी के लिए मिस्टर इंडिया 2 में विलन भी बन रहे हैं। और रहा सवाल अर्जुन का, तो उन्होंने भी हमेशा यही कहा है कि अगर वो इस इंडस्ट्री में है तो केवल सलमान की वजह से ही, जिन्होंने उन्हें वेट लूज करने को और एक्टिंग के लिए इंस्पायर किया। A person who inspired me, motivated me, would be सलमान भाई। अब जब इतनी सॉफ्ट बातें अर्जुन बोलेंगे तो सलमान का दिल तो पिघलना ही था, और उन्हें अर्जुन रनावत, हमारा मतलब है अर्जुन कपूर को, अपने फैन से इंट्रोड्यूस तो करवाना ही था। अब जब सलमान बिट्टू बॉस और कसम से कसम के एक्टर्स के लिए आगे आ सकते हैं, तो फिर अर्जुन तो एक फैमिली की ही तरह है। उनके प्यार के धनुष से निकलते तीर को सलमान के दिल में घुसना ही था। कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। रिसेंटली फिल्म डिपार्टमेंट का हुआ फर्स्ट लुक लॉन्च, एंड दिस वॉज अ रादर ड्रामेटिक वन, जहां सब स्टार्स की एंट्री हुई इन अ फिल्मी अंदाज। वहीं इनकी बातें भी काफी इंटरेस्टिंग रही, सो लेट्स टेक अ लुक। अगर फिल्म हो राम गोपाल वर्मा की तो कुछ अलग तो होना लाजमी ही है। सिर्फ फिल्म ही नहीं, उसका फर्स्ट लुक का इवेंट भी थोड़ा हटके ही था। बिल्कुल अपने कैरेक्टर में सारे स्टार्स ने एक इम्प्रेसिव एंट्री ली। पहले आए अमिताभ बच्चन, फिर आए संजय दत्त, और फिर राणा दुगुबती। दरअसल जिस दिन शूटिंग शुरू हो रही थी उस दिन मुझे जुकाम था और इस तरह की आवाज निकल रही थी, तो शूटिंग करती, फिर रामू ने कहा यही ठीक है, मैंने कहा चलिए ठीक है तो ठीक है। एक गाना मिल गया था और मैंने पूरी कोशिश की, और दैट्स एन आइकॉनिक सॉन्ग व्हेन अमित जी डूइंग इट, तो यू कांट इवन कंपेयर इट। And the story is about politics within an police organization, where an extreme crime situation, a department is formed internally, and what happens in that against the backdrop of crime. Of course, my association with Amitji has been for quite a few films, and some people, when they saw the parts of the, get up, they felt there was a, it reminds them a little of Sarkar. But absolutely the characters are very, very different in terms of, for a want of a better word, I would say it's a nasty version of Sarkar. Right from the time I've grown up and understood what films were, I was watching Mr. Bachchan, Sanjay Dutt and Ramu, all three of them together. I've been watching films of that. And eventually being part of a film which Ramu is directing, and stalwarts like the two of them are here, I think, and breathing the same air as they are, definitely is a very large thing for an actor in his beginning years. लेकिन सबसे अलग अमिताभ बच्चन का किरदार लगा, और ऐसे गेटअप और ऐसे लुक के लिए कैसे बच्चन मान जाते हैं, ये तो उन्हीं से सुनिए। वो आकर के कहते हैं कि मैं कहानी बना रहा हूँ, आपको उसमें काम करना है, ये आपका रोल है, मैं काम करने लगता हूँ। और रामू आखिरकार अंडरवर्ल्ड की फिल्मों से निकल के पुलिस डिपार्टमेंट पर एक फिल्म बना रहे हैं, ये तो नई बात हो गई। आई वुड थिंक दे बोथ आर इंटररिलेटेड, नो,
I just felt there was a, see, when people ask me if it's a realistic film and if it's based on real life incidents, any film when you make on a contemporary kind of an issue, there'll be a certain sense of realism. But the characters are real, the incidents are real. The fact that it deals with power, and power fascinates me. So I think if Underworld is also about power and police is also about power, yeah. चलिए रामू, आपकी अंडरवर्ल्ड पर फिल्में तो हिट हुई हैं, लेकिन देखना ये है कि पुलिस डिपार्टमेंट पर ये फिल्म चलेगी कि नहीं। इलिका श्रीवास्तव, जूम मुंबई। रेखा के राज्यसभा प्रपोज नॉमिनेशन से काफी मिक्स्ड रिएक्शंस आए, लेकिन आज हम आपको ऐसे इंसान का रिएक्शन दिखाने जा रहे हैं जो एक जमाने में काफी करीब थे रेखा से। अमिताभ बच्चन और रेखा की कहानियां इतनी सुनी हैं कि ना कभी मीडिया ने और ना ही कभी अमिताभ बच्चन ने खुद रेखा का नाम जुबान पर लाया, लेकिन आज इतने सालों की चुप्पी के बाद मीडिया ने रेखा के राज्यसभा एमपी के लिए नॉमिनेट किए जाने पर अमिताभ बच्चन का रिएक्शन पूछ ही लिया और अमिताभ ने भी तोड़ दी अपनी चुप्पी। पार्लियामेंट में हर सेशन में राष्ट्रपति द्वारा कुछ ऐसी शख्सियतों को नॉमिनेट किया जाता है जो एक ऑनररी पदवी होती है, और जितने भी कलाकार जो कि आर्ट से या फिल्मों से संबंधित रहे हैं, दत्त साहब की पूज्य माता जी नरगिस जी भी नॉमिनेट हुई थी राज्यसभा में, हुसैन साहब हुए हैं, बहुत से अच्छे अच्छे दिग्गज हैं, और जितने भी अभी नॉमिनेट हुए हैं वो सब बधाई के पात्र हैं। लेकिन लगता है अमिताभ की चुप्पी तोड़ने का कारण ये था कि स्टेज पर बैठे बाकी सारे स्टार्स ने सिर्फ सचिन तेंदुलकर को ही बधाई दी, रेखा को नहीं। He's obviously a very very honorable man. Sachin Tendulkar, so I brought him in the Rajya Sabha. And yes, it's given to men of honor, and I'm hoping that's an extension to what he's done. It's cricket and now politics. I'm wishing him all the best. Well, I mean, it's an honor to be in Rajya Sabha, but I'm a big Sachin fan myself. And I will speak from my heart. I'm not happy that he's a Rajya Sabha member. He's a jewel of India. He's a pride of India. And I feel it should have been that way. और फिर वो सवाल आया, शायद रेखा और अमिताभ का हर एक फैन सालों से जानने को बेकरार है, और वो ये कि क्या कभी रेखा और अमिताभ बच्चन साथ नजर आएंगे? कोई कहानी अगर लाएगा और उसमें अगर मुझे अच्छी लगी तो क्यों नहीं काम करेंगे? अमिताभ बच्चन ने तो बात को स्क्रिप्ट पर टाल दिया, लेकिन पॉइंट तो ये है कि इतने सालों बाद रेखा के बारे में मीडिया से सवाल करने पर भी अमिताभ बच्चन बड़े शांति से जवाब देते गए, मानना पड़ेगा बिग बी। इलिका श्रीवास्तव, जूम मुंबई। इमरान हाशमी आजकल बिजी हैं प्रमोटिंग हिज फिल्म जन्नत 2 इन एवरी वे। रिसेंटली एक सिटी मॉल में रखा गया इस फिल्म का ग्रैंड प्रमोशन। सोनू दिल्ली के सी ने की बाइक पर एक ड्रामेटिक एंट्री। जन्नत 2 के प्रमोशन में पहुंची फिल्म की स्टार कास्ट और किया यहां खूब धमाल। वैसे यहां सोनू दिल्ली के सी ने यानी इमरान ने अपने कैरेक्टर के बारे में जनता को भी बताया। मैं सोनू दिल्ली के कैरेक्टर से थोड़ा बाहर आता हूं सर, क्योंकि आई हैव टू प्रमोट माय फिल्म, माय प्रोड्यूसर विल किल मी। जरूरी रहेगा सर। जन्नत वाज अ पाथ ब्रेकिंग फिल्म इन माय करियर, रिलीज इन 2008, अ मेमोरेबल फिल्म अबाउट क्रिकेट मैच फिक्सिंग। इस बार हमने एक और भी अच्छी निराली अनोखी दुनिया इस फिल्म में लेके आए हैं, द वर्ल्ड ऑफ इलीगल गन ट्रेड। इट्स फैसिनेटिंग। एट द हार्ट ऑफ इट, इट इज अ मैन हु वॉक्स ऑन अ डार्क साइड इन लाइफ। ही लव्स दिस वुमन, ही कैन डू एनीथिंग फॉर हर। Essentially, that's the crux of the film, one man's quest for heaven. Well, Sonu Dilli KKC तक तो ठीक था, वहाँ आई जनता और भी excited हो गई to see newbie ईशा गुप्ता, जिन्हें stage पर escort करते दिखे इमरान। वैसे ईशा यहाँ थोड़ी awkward feel करती तो जरूर लगी, maybe it's a first film, that's why, but उनकी बातें थी काफी bold। सही, Sonu Dilli ने कहा बहुत ही तीखी चीजों, और अभी सारा बता दिया, 4 मई को क्या देखेंगे, तो आप फिल्म देखिए 4 मई को, मगर ये गारंटी है कि सोनू दिल्ली के लिए मौत और जवाब है। इन स्टार्स के अलावा यहाँ दिखे सिंगर जावेद अली एज वेल, एंटरटेनिंग द क्राउड। वेल, कुछ इस तरह ये प्रमोशन हुआ कंप्लीट, विद द स्टार कास्ट होपिंग कि उनकी जन्नत 2 व्यूअर्स को भी जन्नत की तरह ही अच्छी लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई। बिग बी का रिएक्शन तो हमने आपको दिखा दिया, चलिए अब खुद एमपी बनने वाली रेखा का भी रिएक्शन दिखा देते हैं ऑन द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन हर लाइफ। रेखा को राज्यसभा नॉमिनेशन मिलने के बाद सब यही सोच रहे थे कि क्या रेखा ये पद स्वीकार करेंगी या नहीं। रेखा एक ऐसी एक्ट्रेस है जो बहुत कम दिखाई देती है और मीडिया से कम ही इंटरेक्ट करती है, ऐसे में राज्यसभा का एमपी का पद संभालना। I just want you to know that I will work from the bottom of my heart
to keep this glow on your face bahut barkarar and continue to serve you and entertain you and make you absolutely proud of me. Thank you so much. सेवा रेखा, आपने कहा देश की सेवा, लेकिन हमें जो याद आता है, आप तो सिर्फ बड़े पर्दे पर ही नजर आई हैं और उसके अलावा कहीं और नजर नहीं आती, तो चैरिटी और सेवा की बात कहां से आ गई? लेकिन हम आपको बता दें कि ये रेखा ने तब कहा जब वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की पार्टी में आई थी, जहां बॉलीवुड की काफी हस्तियां भी शामिल हुई थी, इंक्लूडिंग ब्यूटीफुल दिया मिर्जा, जिन्होंने फेलिसिटेट किया रेखा को। वह लगता है अब रेखा हमें ऐसे और कई इवेंट्स में देखने को मिलेंगी। आफ्टर ऑल शी इज अ पब्लिक फिगर और शुड बी से अ गवर्नमेंट सर्वेंट नाउ। इलेका श्रीवास्तव, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे सलमान ने कैसे नहीं निभाई अपनी कमिटमेंट। सलमान खान वर्क्स एट हिज लेजर, लगता है सल्लू भाई अपनी कमिटमेंट वाली बात भूलते जा रहे हैं, क्योंकि एक इवेंट पर आने का वादा किया था सलमान ने और नहीं पहुंचे वो, सिर्फ दिखा तो बस सलमान का नेम प्लेट ऑन द डायस। सलमान लीव्स हिज पार्टनर अलोन। सलमान ने नहीं निभाया अपना कमिटमेंट। वेल, अगर आप सोच रहे हैं कि दिस वांट्स टू डू अगेन विद गोविंदा सलमान पेयरिंग इन सम फिल्म, देन यू मिस्टेकन, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इस कॉलेज इवेंट की, जहां गेस्ट बने दिखे गोविंदा और प्रिया दत्त। वैसे इस गेस्ट लिस्ट में नाम जुड़ा था सलमान खान का भी, बट सलू डिडंट फील द नीड टू कम हियर, इंस्टेड ही चोज टू रिलैक्स एट हिज फार्म हाउस। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि हम यूं ही सलमान का नाम गेस्ट लिस्ट में डाल रहे हैं, देन हैव अ लुक एट दिस नेम प्लेट, जो अब टेबल के कोने में पड़ा नजर आ रहा है, इंडिकेटिंग दैट सलमान बनने वाले थे इस इवेंट का हिस्सा। आखिर तभी तो उनके नाम की नेम प्लेट बनाई गई। खैर, सलमान तो नहीं आए, लेकिन उनकी कमी गोविंदा को खूब लगी। तभी तो देखिए कैसे सरकास्टिक कमेंट से भरी सो कॉल्ड स्पीच दे डाली गोविंदा ने। पॉलिटिक्स छोड़ दिया है, तब से स्पीच नहीं दे रहा हूं। अच्छा लग रहा है। और फिल्म नहीं आ रही है, तो डांस भी नहीं कर रहा हूं। Well, Govinda, that's quite weird. क्या आपने ही कुछ दिनों पहले नहीं कहा था दर आपने इतना वेट रिडक्शन किया है अपनी आने वाली किसी फिल्म के लिए? खैर, बात जो भी हो, सलमान नहीं आए, उनके नाम ने ही कमी पूरी कर दी। साजिद पटेल, जूम, मुंबई। अंदाज अपना अपना के सीक्वल पर अभी से आ गिरी है मुसीबत। फिल्म मेकर राजकुमार संतोषी इस सीक्वल के एक डेवलपमेंट से हैं ना खुश और उन्होंने इस सीक्वल के मेकर्स को भेज दिया है लीगल नोटिस। मोर ऑन दिस अप नेक्स्ट। अंदाज अपना अपना को जब से रिवाइव करने की बात हो रही है, तब से ये फिल्म कंट्रोवर्सीज और गॉसिप के घेरों में फंसती जा रही है, चाहे वो उसके रीमेक को लेकर हो या फिर इसके एनिमेटेड 3D वर्जन को लेकर। अब सुनने में आया है कि फिल्म के एनिमेटेड 3D वर्जन को लेकर राजकुमार संतोषी नाराज हैं और इस वजह से उन्होंने इस फिल्म के मेकर्स के खिलाफ लीगल नोटिस भेज दी है। खबरें हैं कि संतोष इज क्वाइट अनहैप्पी ऑन द 3D कन्वर्जन ऑफ द फिल्म और उन्होंने प्रोड्यूसर सिद्धार्थ जैन को लीगल नोटिस भी भेज दिया है। हैरानगी की बात यह है कि इस फिल्म के एनिमेटेड एक्टर को अपनी वॉइस देने के लिए सलमान खान पहले ही हाँ कह चुके हैं, लेकिन अब लगता है मामला अटक सकता है। ये फिल्म सुपरहिट फिल्म अंदाज अपना अपना का एनिमेटेड 3D वर्जन है, जिसे लगभग 15 करोड़ के खर्चे पर प्रोड्यूसर सिद्धार्थ जैन बना रहे हैं, जिसके लिए सिद्धार्थ सलमान और आमिर जैसे लीड एक्टर्स को अप्रोच भी कर चुके हैं। मगर फिलहाल फिल्म के ओरिजिनल डायरेक्टर राजकुमार संतोषी का स्टैंड देखते हुए लगता है कि मेकर्स को कोर्ट को अप्रोच करना होगा। कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। प्लान बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका ही मजा आएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बहुत कुछ बाकी है। फराह खान एक बार फिर दो बिछड़े दोस्तों को ला सकती हैं एक साथ। कौन है ये दो दोस्त और कैसे आएंगे एक साथ, जानिए हमारी अगली स्टोरी में। अभिषेक को लेकर जॉन की फैंटेसी एक बार फिर पूरी होने वाली है। फिर होगा जॉन और अभिषेक का दोस्ताना। वेल, हम ठंडे बस्ते में पड़ी दोस्ताना 2 की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम तो उस दोस्ताने की बात कर रहे हैं जिसमें जॉन है, अभिषेक है और तो और शाहरुख खान भी है। जी हाँ, सोर्सेस की माने तो फराह की फिल्म से अब अभिषेक बच्चन भी जुड़ गए हैं। फराह की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर के लिए पहले तो फराह के फ्रेंड टर्न फो टर्न फ्रेंड अगेन शाहरुख खान को लिया गया, फिर इसमें जॉन इब्राहिम शामिल हुए और अब ये कहा जा रहा है कि इस फिल्म का एक अहम हिस्सा अभिषेक बच्चन भी होंगे।
अपनी इस फिल्म की कास्टिंग से फरा सबको चौंका रही हैं। पहले जहां उनके हस्बैंड शिरीष कुंदर के साथ मारापीटी करने वाले एसआरके का नाम सामने आया, उसके बाद एसआरके की फिल्म में जॉन को एक लंबा रोल दिलाने का वादा कर शी गॉट जॉनी बॉय ऑन बोर्ड। दोस्ताना की कामयाबी के बाद अभिषेक और जॉन को साथ देखना उनके फैंस के लिए बस ख्वाब रह गया था, मगर अब शायद मुमकिन है कि जॉन के साथ वापस दिखाई देंगे उनके बड़ी अभिषेक बच्चन। वेल द शो मस्ट गो ऑन वाली कहावत इस फिल्म की कास्टिंग के साथ तो परफेक्ट बैठती है। कुणाल मांडेकर, जूम मुंबई। With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स लेकर। Till then, keep watching Zoom, India's number one Bollywood channel.